और विपक्ष का नेता माणिक सरकार जो 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे, वो अपना हल्के में जा रहे थे तो उनको हल्के में जाने से रोक गया, लेकिन फिर पार्टी ने फैसला करके हल्के में गए, बीडीपीओ को ज्ञापन दिया। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से पूरे त्रिपुरा स्टेट में पार्टी के कार्यालयों पर हमले किए, दफ्तर जला दिए और 4 दफ्तरों पर अभी भी कब्जा है, जिसकी हम निंदा करते हैं और चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। निष्पक्ष अगर चुनाव हो गए तो लोग बीजेपी से खफा हैं, बीजेपी की सरकार नहीं रह सकती, इसलिए बीजेपी धक्काशाही कर रही है। आज का हमारा प्रदर्शन, ये ज्ञापन हमने दिया है, आप साथियों ने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आपने ज्ञापन दिया, किन मांग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में आज त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव हो, और वहाँ पर जो केंद्रीय बलों की तैनाती की थी वहाँ की सरकार ने, चुनाव आयोग वहाँ का जो उसने, उनको हटा के आसाम की और गुजरात की पुलिस, मतलब गुजरात तो नज़दीक भी नहीं पड़ता त्रिपुरा के, गुजरात और आसाम की पुलिस ले जा के चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव को कब्जा करने की कोशिश बीजेपी की है, हम उसकी निंदा करते हैं और हमने आज मांग की है कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं और केंद्रीय बलों की तैनाती करके करवाए जाएं।